वही रब है जिसने मुझको अमरगत कर बनाया, हमें भीख मांगने को दिया आशिदा बताया, हमें भीख मांगने को दिया आशिदा बताया, तुझे हम दे बताया, तुझे हम दे बताया। यानी कि अब ये देखे इस शेर में शायद ये बोल रहा है कि वही रब है जिसने मुझको अमरगत कर बनाया और हमें भीख मांगने को दिया आशिदा बताया। यानी कि अल्लाह ने हमें नबी का आस्था बताया। अब ये देखें, अगर कोई हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, माँ बाप को या किसी को हम नाराज कर ले तो हम उन्हें की चौपट पर जाना होता है माफी मांगने के लिए। अगर कोई चाचा है, दादा है, कोई भी हो, नाना कोई भी, हमारा रिश्तेदार हम उन्हें चौपट पर जाने पड़ता है मनाने के लिए कि हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज होकर उन्हें मनाया जाए। तो अल्लाह ने जो फरमाया, अगर महबूब, अगर मेरे बंदे मुझे नाराज कर ले, अल्लाह का हुक्म आए कि मेरे बंदे मुझे नाराज कर ले तो तेरी चौपट पर हाजिर हो जाए, तेरी चौपट पर हाजिर हो जाए, तेरी चौपट पर। यानी कि अल्लाह का दर, नबी का दर एक ही है, अल्लाह का दर, नबी का दर एक ही है। आप ये देखें हमारे नबी हम गुनहगारों से अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 दफा मेराज के लिए लौटाया, 5-5 करके 5 नमाजें, 50 नमाज रोजे, 5 नमाजें बची। पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि ये महबूब, ये 5 नमाजें भी कम है, 5 नमाजें भी ज्यादा है, और कम करवा के आइए। तो महबूब ने क्या फरमाया कि अब मुझे रब के जाने में आने में शर्म आती है। क्या वाका फरमाया, रब के आने में सामने जाने में शर्म आती है। अब क्या फरमाए, अब क्या बोलेंगे कि आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात घूम रहे हैं, मेराज की रात घूम रहे हैं, सातों आसमान अल्लाह ने सजाए, जन्नत कुर्सी सिदरा वगैरह सब सजाया अल्लाह ने। अब ये चाहते हैं कि अगर महबूब हमारे ये चाहते हैं तो 5 नमाजें भी कम करा देते, 5 नमाजें भी हमारे ऊपर से कम करा देते। मगर आका ने फरमाया अब शर्म आती है, अब रब के आगे मैं किस मुंह से जाऊं। आका ने फिर आप ही गए, मगर अल्लाह ने जब फरमाया कि मेरे महबूब अल्लाह की बातें कभी बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। तो फरमाया अगर तेरी उम्मत 5 नमाज पढ़ेगी तो मैं उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता करूंगा, 50 वक्त की नमाज अता करने का सवाब अता करूंगा। अब ये देखिए आला हजरत ने क्या ही खूब फरमाया कि नबी का मेराज पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये गौर से सुनना, गौर से सुनना, बड़ी फर्क की बात है। आला ने फरमाया कि नबी का मेराज पे जाना बड़ी बात नहीं है, हाथ पर लौट कर आना बड़ी बात है, हाथ पर लौट कर आना बड़ी बात है। आप ये देखे अगर कोई इंसान कोई अच्छी सुनाने से लेकर किसी गांव से लेकर किसी मोहल्ले में जो किसी शहर में ले जा किसी शहर में चला जाए तो वो दोबारा आने की कोशिश नहीं करता है। अगर जो हम उसके माँ बाप भाई बहन क्यों नहीं ले रहे हो, अगर हम अपने इस मोहल्ले में रहे हो तो हम किसी पकड़े बड़े मोहल्ले में या बनना बड़ी सिटी में या बनना कि दिल्ली बनना मुंबई में हम चले जाए तो हमारा आने का मन नहीं करता। क्या दोबारे में आएंगे, क्या कोई चीज है हम उनके लिए। अगर किसी हम बड़े शहर में अगर चले जाए तो हमारा मन वही लगता है। मगर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से भी आगे गए, जन्नत से भी आगे गए और रब के कोबे खास में आने के बाद क्या बोला, या अल्लाह मुझे जाना है अपनी उम्मत के पास, या अल्लाह मुझे जाना है अपनी उम्मत के पास, इसलिए कि मेरी उम्मत मेरा इंतजार कर रही है, मेरी उम्मत मेरा इंतजार कर रही है। आका कोबे खास में रब के पास, सिदरा भी पीछे, जन्नत भी पीछे, सारे आसमान सातों आसमान पीछे और रब के कोबे खास में आने के बाद क्या बोला, या अल्लाह मुझे जाना अपनी उम्मत के बाद, इसलिए कि मेरा अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा अली मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा उस्मान मेरा इंतजार कर रहा है और मेरी उम्मत मेरा इंतजार कर रही है, रब मुझे जाना है मेरी उम्मत की है। अब ये देखें आका अलैहिस्सलाम लौट आए, इसलिए तो हजरत ने क्या हुक्म तो क्या हुक्म फरमाया कि नबी का मेरा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आना बड़ी बात है, इसलिए कि आप लौट आए, लौट आए। अल्लाह ने चारों आसमान सात आसमान आपके लिए सजाए, सब कुछ सीधा सजाया, मगर जब भी आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए लौट आए। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उम्मे आयशा, अम्मा आयशा फरमाती है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो देखा आका अलैहिस्सलाम बड़े खुश है, बड़े खुश है, तो आपने बड़ी जल्दी में तो आपने कुछ सामान उठाया तो आप जाने लगे। अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने आपका रास्ता रोक लिया, आपने फरमाया कि मुझे नहीं जाने देना, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा मुझे जाना, मेरा कोई इंतजार कर रहा है बाहर। तो आका ने उन्हें फरमाया, जब आयशा ने फरमाया, अम्मा आयशा ने फरमाया कि मेरे वालिद ने अबू बकर ने मुझसे ये बोला था, अगर नबी जिस दिन ज्यादा खुश नजर आए
इस दिन नाना खुश नजर आए तो तुम अपने लिए और मेरे लिए दुआए मकसद पर मदरों से कहना। तो आका निकला को सलाम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह आयशा का अबू बकर हिसाब किताब आसानी से लेना और इनकी मकसद फरमा देना। ये कहकर आप चल दिए हजरत आयशा। आप फरमाती है कि नबी दोबारा पलट आए, नबी दोबारा पलट आए, हम आयशा रो रही थी और आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के इज्जत की जलाल की कसम है आयशा, मैं यही दुआ दिन में दो मरतबा अपने हर एक उम्मती के लिए मांगता हूँ। दिन में हर यही दुआ अपने हर एक उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ। दिन में दो मरतबा अपने हर एक उम्मती के लिए मांगता हूँ। मगर उम्मतियों को कोई शर्म ही नहीं, उम्मतियों को लेने के आकर हम मरने के बाद हमें रब को तो मुंह दिखाना है, मगर रब से पहले हम अपने आका को मुंह दिखाना है। रब से पहले हमें आका को मुंह दिखाना है। अब ये नहीं कि जनाजे को तैयार करा जाता है अच्छे तरीके से, उसको दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, क्या वजह है? वजह यही है कि वो कब्र में तो जा ही रहा है मगर वो अपने नबी से मुलाकात करने जा रहा है, मगर वो अपने नबी से मुलाकात करने जा रहा है। आप ये देखे आपने कब फरमाया, यही दुआ मैं हर एक उम्मती के लिए दिन में दो दफा मांगता हूँ। और एक सहाबी रसूल है आपको फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर के अंदर उतारा गया, कब्र अनवर के अंदर उतारा गया, तो वो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक फैल रहे थे, लबे मुबारक कब्र अनवर में उतारा गया। आपको क्या वो फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक फैल रहे थे। वो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि ये देखूं कि आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की इज्जत की जलाल की कसम, मैंने अपने कानों को नबी के मुंह से लगाया तो उस वक्त भी नबी हमारे आका अलैहिस्सलाम हमको नकार गुजार फरमा रहे थे। उस वक्त भी हमको नकार गुजार का इजलाम उजलाम फरमा रहे थे। नबी दुनिया से चले गए, कब्रे अंदर में है और क्या फरमा, ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और पैदा हुए तो क्या पैदा हुए, रब अपनी उम्मत ही कैसे हुए, पैदा हुए